स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैन साइंस विद बंसल। लास्ट लेक्चर सीरीज में ऑलमोस्ट हमने 7.5 जो है वो कवर कर ली थी। कुछ दो तीन क्वेश्चन जो बचे हैं इसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3ax y इज इक्वल्स टू 0। तब हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। सो डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ वाई है ही, तो इसका क्या करेंगे, हम पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वेयर, और फिर y का करेंगे तो dy by dx माइनस में 3a x इंटू वाई यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। x को फिक्स रखेंगे, y का डेरिवेटिव y को फिक्स रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, इक्वल में क्या है 0। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो, अंदर छोटा ब्रैकेट यूज़ कर लिया हमने। सो अब देखो यहाँ पर क्या है, 3x स्क्वेयर 3y स्क्वेयर dy by dx माइनस 3ax, मल्टीप्लाई कर दो अंदर dy by dx माइनस प्लस माइनस 3a का y से मल्टीप्लाई 3ay इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वन टाइम डेरिवेटिव आ गया। अब इसी को डबल डेरिवेटिव आप कर सकते हो इसी में डायरेक्ट, या फिर जो है इसमें डायरेक्ट कर देंगे, चलो फाइंड ही कर लेते हैं dy by dx। तो देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, dy by dx, तो यहाँ क्या बच गया 3y स्क्वेयर माइनस में 3ax, ये माइनस की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस का 3ay, ये यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ के क्या हो जाएगी माइनस का 3x स्क्वेयर, ये जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। सो dy by dx जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3ay माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन में 3y स्क्वेयर माइनस 3ax। ऊपर नीचे 3 कॉमन लेके आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ay माइनस x स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर माइनस ax। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास वन टाइम डेरिवेटिव, हमें क्या चाहिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, यानी कि क्या करेंगे इसका एक और बार हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं हम, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ देखो u इंटू वी, यू अपॉन वी लगेगा ना, तो क्या करेंगे नीचे वाले पार्ट का स्क्वेयर कर देंगे, फिर इसको एज इट इज रख देंगे, ऊपर वाले का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो a जो है वो कांस्टेंट है, y का जब करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, एक्स स्क्वेयर का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, फिर माइनस का साइन, ऊपर वाले को क्या रखेंगे कॉन्स्टेंट सेम रखेंगे, नीचे वाला जो है इसका कर देंगे डेरिवेटिव, तो वाई स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2y, और फिर y का करना है तो dy by dx, ठीक है। ये सारे डेरिवेशन हम सीख चुके हैं अब तक। फिर माइनस का a मल्टीप्लाई में है तो सेम a ही रहेगा, x का करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पहले, या dy by dx की जो वैल्यू है वो भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि dy by dx की ये जो वैल्यू है ये इन दोनों जगह पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, काफी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी अपने आप पुट कर लेना। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलो पहले अंदर। सो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, बस कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। वाई स्क्वेयर का इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वेयर का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, चलो मल्टीप्लाई करने से फिर दोबारा वैल्यू रखेंगे और बड़ा हो जाएगा। सो ए इंटू में क्या है डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या है मेरा ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये dy by dx की जो वैल्यू है वो मैं रख देता हूँ, इसको इक्वेशन एक नाम दे दो, चलो यहाँ लिख दो थोड़ा अच्छे तरीके से बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये हमको प्रूव करना था ना, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ इसको प्रूव। तो dy by dx की ये जो वैल्यू थी वो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा ay माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस ax, ऑलराइट, माइनस में क्या है 2x, फिर क्या आ गया माइनस का साइन, ये वाला यहाँ लिख दिया मैंने ताकि एक रो में आ जाए, ay माइनस एक्स स्क्वेयर ओके इंटू में 2y, फिर dy by dx, तो इक्वेशन 1 से ये जो वैल्यू है वो लिख दी मैंने ay माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस ax, ठीक है ना, फिर माइनस में क्या है a है, और इस कंप्लीट के अपॉन में हमें क्या लिखना है वाई स्क्वेयर माइनस ax की पावर 2। थोड़ा बहुत ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना है, कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके जब कंप्लीट करोगे, देखो नीचे तो हमें यही चाहिए ए वाई
एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लिख सकते हैं ठीक है। यहाँ क्यूब चाहिए, यहाँ स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक और ऊपर से आ जाएगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे ये रहा, तो ये वाला जो है नीचे ही आएगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये जो हमें चाहिए ठीक है। तो इसको जो है कंप्लीट कर लेना, थोड़ा सा यहीं छोड़ दे, पूरा करें, चलो पूरा कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर देखो क्या है, डबल डेरिवेटिव है मेरे पास ठीक है, नीचे वाली टर्म को एक बार छोड़ देता हूँ, ऊपर कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। तो पहले तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ए का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर वाई माइनस ए एक्स स्क्वेयर ठीक है। और देखो थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ वन है ना, तो दोनों में क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स ठीक है ना। तो कंप्लीट इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स है मेरे पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स है, तो क्या हो गया, तो इस वन का इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, ये करते हैं हम ठीक है। तो वन का इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो सेम रह गया, मैं बेसिकली एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस का माइनस रखा रहने दो। टू एक्स का वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स वाई स्क्वेयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू एक्स का ए एक्स से करेंगे तो टू ए एक्स स्क्वेयर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली चीज को मैंने पूरा ही लिख दिया, फिर क्या है माइनस का साइन है मेरे पास ठीक है, बाहर जो है इसको मल्टीप्लाई में यही रहने दो। चलो एक बार और अगले स्टेप में पूरा करेंगे, टू वाई का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, टू ए वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई एक्स स्क्वेयर। सिमिलर वे में एलसीएम लेंगे इन दोनों में तो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, वन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, माइनस ए का वाई से मल्टीप्लाई किया ए वाई स्क्वेयर माइनस ए का इससे किया तो प्लस का ए स्क्वेयर एक्स। यहाँ तक देखो कोई मिस्टेक ना होगा इस क्वेश्चन में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या आएगा, इस पूरे के, ये जो हमारा चल रहा है इस पूरे के अपॉन में ठीक है, भूलना नहीं है यहाँ पर वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स की होल स्क्वेयर। ये तो ऊपर का पार्ट है ना जो मैंने लिखा है, ये ऊपर का पार्ट है जो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ ठीक है, नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लो पहले। सो आगे क्या है, ऊपर जो है उसका कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो है इसको रखा रहने दो, हमें तो राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है ठीक है। तो ऊपर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, यहाँ भी क्या है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, कैंसिल कर देंगे इसे, गड़बड़ ना हो बस कैलकुलेशन में, ये साथ के साथ चेक करते रहना, जो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे ठीक है। ठीक है चलो यहाँ तक, ऊपर जो कंप्लीट बच गया उसे हम लिख देते हैं, ए स्क्वेयर वाई माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स स्क्वेयर ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये तो कैंसिल नहीं हो रहे ठीक है, एक बार इसे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर और क्या है टू ए वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर और प्लस का ए स्क्वेयर एक्स, और इस कंप्लीट के अपॉन में क्या है वाई स्क्वेयर माइनस एक्स ठीक है। और यहाँ पर इस कंप्लीट के अपॉन में वन रह गया क्योंकि ये कैंसिल हो गए, और इस पूरे के अपॉन में हमारे पास है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स का होल स्क्वेयर ठीक है। अब ऊपर वाले को थोड़ा और सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं चलो ये मल्टीप्लाई भी, दोनों में एलसीएम क्या आएगा वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स की होल क्यूब बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो वाई स्क्वेयर का पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई स्क्वेयर का इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वेयर वाई क्यूब ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, थोड़ी सी टर्म्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए साथ के साथ जो है वेरिफिकेशन करते रहना कि कहीं पर कोई गलत स्टेप ना लिखा जाए। माइनस ए एक्स का इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का ए क्यूब वाई एक्स, फिर प्लस का ए स्क्वेयर एक्स क्यूब। चार्जिंग होगी फिर, कोई बात नहीं, बीमार हो कुछ लोग, फुल चार्ज है ठीक है, स्टार्ट करो, स्टार्ट ही है ठीक है। तो ए एक्स का इससे किया तो क्या आ गया ए स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस ए एक्स का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो माइनस ए एक्स का इधर करेंगे तो ये हो गया प्लस का टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है ना। माइनस ए एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का टू ए स्क्वायर एक्स का क्यूब ठीक है ना। अभी क्या करें, सिर्फ इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करें हमने, अब क्या करेंगे वन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई सेंस नहीं है, सेम ही रहेगा, बस इसका हमें अंदर मल्टीप्लाई और करना है, तो ऑलमोस्ट जो टर्म्स है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। देख कैसे,
माइनस ए वाई का मल्टीप्लाई इससे करना है, ठीक है, ध्यान देते रहना साथ साथ में, क्या आएगा माइनस का टू ए स्क्वेयर वाई क्यूब, ठीक है, फिर माइनस ए वाई का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस टू ए वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, फिर इसका करेंगे माइनस ए वाई के स्क्वेयर के साथ तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वेयर वाई क्यूब, फिर आगे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए क्यूब एक्स वाई, ठीक है, अब क्या करेंगे इस माइनस एक्स स्क्वेयर का, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वेयर का इस पूरे के साथ करना है तो एक्स स्क्वेयर लगाते जाओ साथ साथ में, टू ए वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस में टू वाई एक्स की पावर फोर माइनस में ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर एक्स क्यूब, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कॉमन लेके वहीं खत्म कर सकते थे शायद, क्वेश्चन देखना पड़ेगा लेकिन चलो ठीक है, अब तो हो गया ऑलमोस्ट हमारा, तो देखो हमें चाहिए वाई क्यूब वाली टर्म्स कहाँ कहाँ है, ये रहा तो ए स्क्वेयर वाई क्यूब, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस के दो ए वाई स्क्वेयर, ठीक है, तो ये ए स्क्वेयर वाई क्यूब ए स्क्वेयर वाई क्यूब टू ए स्क्वेयर वाई क्यूब और ये माइनस का, तो तीनों के तीनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, इस टाइप से हमें सारे के सारे क्या कर देने हैं कैंसिल, हमारे पास बस एक्स वाई वाला बचेगा, अब इस हमारे पास क्या है वाई क्यूब वाली टर्म जो है कैंसिल हो गई है, अब देखो इसको चेक करते हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, फिर यहाँ प्लस आ गया प्लस का टू, पहले चलो प्लस वाले काउंट कर लो, तो क्या है प्लस टू प्लस टू प्लस टू फिर ये रहा प्लस टू, ठीक है, कितने हो गए टोटल एट, और माइनस वाले कितने हैं ये देखो एक ये रहा और एक ये रहा, दो माइनस वाले हैं तो बच्चे कितने छः, तो इन सब को भी आप जो है कैंसिल कर दो ताकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए, हो गए सारे कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया माइनस का सिक्स ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अब देखो यहाँ माइनस का टू ए स्क्वेयर एक्स क्यूब है और ए स्क्वेयर एक्स क्यूब दो हमारे पास प्लस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इससे माइनस हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा अगेंस्ट, ठीक है, अब ध्यान देना ये क्या है अकेला ही एक्स वाई और कोई है नहीं एक्स वाई हमारे पास तो इसको भी ऐसे ही रखा रहने दो, अब देखो बच क्या गया इसको भी चलो कैंसिल कर देता हूँ यहाँ नोट कर लिया क्योंकि ओके 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 ये रहा एक्स वाई यहाँ पे हमारे पास है ना, सो ए क्यूब एक्स वाई है और है कहीं ए क्यूब एक्स वाई, अभी काटे हो नहीं वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था तो ठीक है ये रहा ए क्यूब एक्स वाई ए क्यूब एक्स वाई तो ये दोनों कितने हो गए टू ए क्यूब एक्स वाई, ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये क्या है एक्स फोर वाई और ये क्या है एक्स वाई फोर, इन दोनों में जब माइनस का टू एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा एक्स क्यूब और यहाँ क्या बचेगा वाई क्यूब प्लस का, क्योंकि कॉमन क्या ले लिया माइनस का टू एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये मैंने कंप्लीट जो है ऊपर वाला कर दिया, तो ये तीनों भी मैंने नोट दोनों नोट कर लिए सब कैंसिल हो चुके हैं देखो, और नीचे हमारे पास क्या है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स की होल क्यूब, ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में जो था मेरे पास क्वेश्चन में क्या था एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो था, यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ थ्री ए एक्स वाई, ठीक है, इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर ए, ए लिखा है यहाँ पे क्योंकि वन पहले दे चुके हैं तो यहाँ लिख देता हूँ बाय इक्वेशन ए, ठीक है, इसकी वैल्यू रखने जा रहा हूँ मैं अब, तो ये तो देखो सेम ही रखा रहने दो सिक्स ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में टू ए क्यूब एक्स वाई माइनस का टू एक्स वाई, इस कंप्लीट की जगह पर क्या लिख सकते हैं थ्री ए एक्स वाई, ठीक है, और इस कंप्लीट के अपोन में क्या है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो बस अब तो कैंसिल होने वाला है ऑलमोस्ट हो गया, इसी के आगे कर देता हूँ इन दोनों को सेम रखा रहने दो माइनस का सिक्स ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का टू ए क्यूब एक्स वाई माइनस का, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का सिक्स ए प्लस आना चाहिए ना यहाँ पे प्लस माइनस दोबारा चेक करना पड़ेगा तो प्लस सिक्स ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कंप्लीट के अपॉन में क्या है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का क्यूब, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट होने चाहिए ना, यहाँ प्लस माइनस का कुछ ओके ये पॉजिटिव था ना हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो प्लस का टू प्लस का टू प्लस का टू प्लस का टू तो टोटल प्लस के एट हो गए, प्लस के एट थे और नेगेटिव कितने थे टू थे तो प्लस का सिक्स बचेगा तो ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान रखो साथ साथ में प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है बड़ी कैलकुलेशन में, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, ऊपर देखो क्या है टू ए क्यूब एक्स वाई है हमें क्या चाहिए प्लस का चाहिए टू हमें क्या चाहिए प्लस का चाहिए फिर वहां पर क्यूब आ रहा है ए चाहिए, चलो कोई बात नहीं एक बार देखते हैं, ऊपर हमारे पास माइनस है तो नीचे माइनस कॉमन ले लूंगा, ठीक है, सो ऊपर यहाँ नेगेटिव है ना हमारे पास तो नेगेटिव मैंने नीचे भी कॉमन ले लिया तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, माइनस बाहर लेके उसका क्यूब करेंगे माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होता है तो माइनस वन से माइनस वन वो कैंसिल हो गया ये मेरे पास आ गया, अब यहाँ पर स्क्वायर है हमारा क्यूब आ रहा है
ठीक है ना। तो ये इसमें जो है मिसप्रिंट ये शायद यहाँ पर देखो स्क्वेयर है, यहाँ भी क्यूब कर लेना मैंने स्क्वेयर लिख दिया था ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया था ना, यहाँ देखो क्यूब चल रहा है हमारे पास, ये स्क्वेयर था ये नीचे आ गया ये क्यूब हो गया था हमारा ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसमें क्यूब कर लो, क्योंकि क्वेश्चन हमने सारा सही किया यहीं पर, इसमें मिसप्रिंट है। तो ये देखो हमारा प्रूव हो गया ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक बार और इसको करके देखना क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा इस वीडियो में ठीक है, अगली वीडियो में बाकी दो क्वेश्चन जो रहेगा वो करते हैं। आज के लिए इतना ही, इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।